दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन पे से बिजली का बिल कैसे जमा कर सकते हैं। फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे घर बैठे अपने मोबाइल से ही आप अपने बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड अपने फ़ोन पे से बिजली बिल का बिल जमा करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा और फ़ोनपे एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मैंने फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है और यहाँ पर देख सकते हैं कई सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पर फ्रेंड सकते हैं सबसे ऊपर ट्रांसफर मनी, तो मुझे ट्रांसफर मनी तो करना नहीं है। उसके बाद यहां पे नीचे लिखा है रिचार्ज एंड पे बिल्स, तो उसके नीचे यहां पे देख सकते हैं लिखा है कि मोबाइल रिचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पे आ जाएगा और सर्च बाय बिलर, तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, जैसे यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे पूर्वांचल लिख देना होगा, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर होगा। जैसे मेरा पूर्वांचल विद्युत वितरण है तो यहाँ पे मैं पूर्वांचल विद्युत वितरण को सर्च कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंज्यूमर नंबर, आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डाल देना होगा। अगर आपको सर्च नहीं करना है, विद्युत वितरण इलेक्ट्रिसिटी देता होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मेरा है पूर्वांचल, तो यहाँ पर नीचे चलते हैं और देख सकते हैं मैं यहाँ पर पूर्वांचल पर जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब है, न्यू दिल्ली है, तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरा है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मांग रहा है कंज्यूमर नंबर, तो फ्रेंड आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट नंबर होता है उसी को डालना होगा। तो फ्रेंड हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट नंबर था पहले, वो अब बदल चुका है, पहले 12 अंक का होता था, अब 10 अंक का हो चुका है। तो अब मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं कि पुराने बिजली बिल अकाउंट नंबर से नया बिजली बिल अकाउंट नंबर कैसे पता कर सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मान लीजिए आपको पुराना वाला याद है तो पुराना वाला यहाँ पे डालेंगे तो नहीं दिखाएगा, नया वाला बिजली बिल अकाउंट नंबर जो है वो डालेंगे, उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना होगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और कस्टमर का नेम यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, जिसके नाम से कनेक्शन रहेगा उसका नेम, और बिल डेट यहाँ पे लिख रहा है 15 मई 2024, 15 मई 2024 को देख सकते हैं बिल डेट आ चुका है। 133 रुपये यहाँ पे देख सकते हैं बिल आया है, ड्यू डेट 22 मई 2024, और इसको अगर आपको पे करना है तो प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैंने अगर मान लीजिए मुझे पे करना है तो आपका जो भी फ़ोनपे में बैंक अकाउंट होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद पे पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपना पिन डाल दे रहा हूँ और पिन डालने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग लेगा और कंफर्म सिक्योरली पर, और यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे 133 रुपये देख सकते हैं यहाँ पे कटे हैं। और उसके बाद व्यू डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, और व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके आप पूरी रसीद को यहाँ पे देख सकते हैं। देख सकते हैं ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल, बिल रिचार्ज 133 रुपये, और यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये रसीद जो है वो डाउनलोड हो चुका। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन पे से बिजली बिल जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।